Hey guys, welcome back to She of HR and आज का वीडियो है 10 आदतें जो मैं डालने की कोशिश कर रही हूँ एंड आई थिंक अगर आपको ये बेनिफिशियल लगती है सो यू ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस जर्नी. पहली आदत इज मेडिटेशन. इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. हर एक का पर्सपेक्टिव अलग अलग होता है व्हेन इट कम्स टू मेडिटेशन, बट फॉर मी इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ पीस एंड कॉन्सेंट्रेशन काफ़ी इम्प्रूव होता है. सेकेंड आदत जो मुझे डालनी है इट्स जर्नलिंग. अब जर्नलिंग इज समथिंग इज लाइक आप जो भी कूड़ा होता है दिमाग में वो भी आप पेपर पे डाल सकते हो और जो चीज़ों के लिए आप शुक्राना करते हो गॉड से उसके बारे में भी यू कैन राइट. सो द थर्ड थिंग इज सेल्फ टाइम. अब काफ़ी बारी हम इतने पैक स्केड्यूल में होते हैं कि हमें मी टाइम मिलता ही नहीं है. वी हार्डली गिव आवर सेल्फ सम टाइम. सो आई थिंक एटलीस्ट 5 मिनट्स ऑफ अ टाइम आई वॉन्ट टू गिव टू माई सेल्फ, टू माई थाट्स, टू वट आई फील थ्रू आउट द डे. वो क्योंकि इतने सारे कॉल्स होते हैं हम भूल जाते हैं. खाना भी मैं तो भूल जाती हूँ कभी कभार. सो यू नो इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट कि थोड़ा मी टाइम खुद को देना बहुत ज़रूरी है. द फोर्थ थिंग इज़ टू डू लिस्ट. अब टू डू लिस्ट से कैसे होता है कि जब मैं इनिशियल डेज पर जब मैंने ज्वाइन किया था मेरी करंट ऑर्गेनाइजेशन तब मैं टू डू लिस्ट बहुत मेंटेन करती थी एंड नाउ आई फील वो आदत छूट गई है. सो टू डू लिस्ट मेंटेन करने से आपको पता चलता है कि आपको फटाफट ये काम ख़त्म करने हैं एंड यू आर वेरी फोकस्ड कि मेरे को पहले टू डू लिस्ट में सब चेक करना है उसके बाद एडिशनल काम लूँगी. सो थिंग्स आर रियली यू नो सॉर्टेड इफ़ यू मेंटेन अ टू डू लिस्ट. द अदर थिंग विच इज़ फिफ्थ पॉइंट इज़ फैमिली टाइम. येस हम हार्डली फैमिली को कुछ टाइम दे पाते हैं बिकॉज ऑफ वर्क फ्रॉम होम. यू नो वर्क फ्रॉम होम इतना मतलब मेरा तो ऐसे होता है कि 12 घंटे हो जाते हैं कभी कभी बिकॉज ऑफ वर्क लोड. बहुत सारी चीज़ें होती है. सो फैमिली टाइम इज समथिंग विच आई रियली नीड टू गिव टू देम. द अदर थिंग विच इज़ एक्सरसाइज. नाउ एक्सरसाइज इज समथिंग विच आई वॉन्ट टू गिव टाइम एंड एटलीस्ट अगर 5 मिनट का वॉक भी हो जाता है या 15 मिनट टहल के भी आ जाऊँ दैट इज़ ऑल्सो फाइन विथ मी. सो एक्सरसाइज इज़ ऑल्सो वन ऑफ द थिंग्स विच आई वॉन्ट टू फोकस ऑन और 15 मिनट वॉक विद अ हेडफोन ऑन. द अदर थिंग इज अर्ली टू राइज अप. सिंस हम लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं हम लेट उठते हैं क्योंकि हम लेट सोते हैं. सो यू नो इट इज़ ये आदत आई थिंक मुझे तो डालनी है बिकॉज आई समटाइम्स वेक अराउंड 8:39 तक तो मैं उठ ही जाती हूँ. उसके बाद में 10 बजे से कॉल्स हो जाते हैं. सो बहुत पैक स्केड्यूल रखती हूँ बिकॉज ऑफ माई लेजीनेस. सो अर्ली टू राइज द थिंग विच आई वॉन्ट टू इम्प्रूव. द अदर थिंग इज रीडिंग एवरी डे फॉर 30 मिनट्स. आई एम डूइंग दैट. द अदर थिंग इज कॉन्टेंट क्रिएशन. सो वॉट आई डू इज जनरली सिंस इंस्टाग्राम पे भी वीडियोज डालने होते हैं एंड यूट्यूब पे भी वी हैव टू क्रिएट अ कॉन्टेंट. सो मैं एक बारी सारे टॉपिक्स लिख के सारे संडे को आई शूट और संडे को वन डे आई टेक इन अ वीक एंड शूट ऑल वीडियोज. सो दैट्स हाउ आई प्लान एंड आई एम. अगर आपने इंस्टाग्राम मेरा अभी तक फॉलो नहीं किया है गो एंड फॉलो राइट अवे. इट्स @she_of_hr एज माई यूज़र नेम. सो प्लीज़ डू फॉलो दैट इफ़ यू हैवंट बिकॉज वहाँ पे मैं काफ़ी जनरल रील्स भी डालती हूँ एंड करियर रिलेटेड रील्स भी डालती हूँ, बुक रिलेटेड भी डालती हूँ. सो गो एंड फॉलो इफ़ यू हैवंट. द 10th थिंग और द लास्ट हैबिट इज प्रोमोडोरो टेक्निक. नाउ प्रोमोडोरो टेक्निक एटलीस्ट आधे घंटे के इंटरवल में 5 मिनट का ब्रेक लेना होता है. बट वॉट आई सी आधे घंटे में 5 मिनट का ब्रेक मैं तो नहीं ले सकती. सो वॉट आई डू इज मैं एक घंटे में एटलीस्ट 5-5 मिनट का इंटरवल लूँगी या तो जस्ट टू हैव अ ग्लास ऑफ वाटर. कुछ वर्क फ्रॉम होम है तो कर भी बट एटलीस्ट
मतलब एक घंटे में 5 मिनट आई विल गिव अ ब्रेक. सो दीज दिस टेक्निक आई रियली वॉन्ट टू इनकलकेट इन माई रूटीन. सो ये 10 आदतें जो मैंने पहले भी कहा था, रेजोल्यूशन बनाने से कुछ नहीं होता, आदतें अच्छी होनी चाहिए क्योंकि आदतें हमेशा आपके साथ होगी. आज हम पे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ नहीं हैं, बट कल जाके जब होगी, सो ये जब 5 मिनट का वॉक या 15 मिनट का वॉक है, मी टाइम है, ये छोटी छोटी आदतें विल मेक अ मेजर डिफरेंस इन आर लाइफ. अब हमें पता नहीं चलेगा ऑफकोर्स, बट आगे चल के जब वो बहुत अच्छी आदत बन जाएगी, तब वी विल कम टू नो हमने वो टाइम पे कितनी अच्छी आदतें डाली. सो नो मोर प्रवचंस प्लीज़, बट येस लेट्स गो इट टुगेदर. आप लोग कॉमेंट करके बताइए अगर आप कोई आदतें डालना चाहते हैं, एंड अगर आप ऑलरेडी डाल रहे हैं कॉमेंट करके बताइए व्हाट्स गोइंग ऑन विथ योर लाइफ, व्हाट हैबिट्स आर यू ट्राइंग टू पुट इन. एंड येस, अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कॉमेंट कीजिए, एंड डू सब्सक्राइब इफ़ यू अ न्यू ईयर. सो see you with the next video. Comment karke batao if in case you want more videos on career, what kind of, what topics you want me to address as a recruiter, and content creation to karna hi hai abhi. Chalo, okay, bye bye.